From many places. What's your name? Where are you from? Emily from Germany. Gururaj from America. Anika from Mexico. I'm from Brazil. Sadarshi from America. Sajjagit from Germany. Shirigan from Italy. I'm Surjit from Mexico. Laura from China. Reynat, Germany. Anika from Germany. Guru Pratap from Netherlands. Vladimir from Russia. Fantastic, thank you. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा आप जानते हैं, देश विदेश के अंदर सिख धर्म बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है। आज के वीडियो में आपने एक छोटी सी ये क्लिप देखी। इस क्लिप के अंदर आपको देखने को मिला कि हर एक दुनिया का गोरा सिख धर्म अपनाकर अमृत छक कर गुरुद्वारा साहिब के अंदर बैठा लंगर छक रहा है। हम इसी के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से इस वीडियो को वहाँ पर फिल्माया गया और वो कितना अच्छा ब्रेन है, वो कितना अच्छा दिल है, कितना बड़ा दिल है जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके दुनिया तक ये संदेश पहुँचाया कि देखो हर दुनिया का एक लड़का यहाँ पर लंगर में बैठा हुआ जो सिख है, चाहे मैं ये दुनिया के हर कोने से एक सिख आया हुआ है। फ्रांस, इटली, चीन, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, पता नहीं कितने देशों के यहाँ पर जो विदेशी सिख थे वो आकर बैठे हुए। ये सिख हर दूसरे अलग अलग देशों से आते हैं और इन सभी का जो धर्म था वो अलग था। सभी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रेरणा लेके सिंह सज गए और उसके बाद दस्तार सजाते हैं। लड़कियां हो चाहे लड़के हो, ये सभी दस्तार सजा रहे हैं और ये अमृतधारी सिख बन गए। इस प्रकार से विदेश की धरती पर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इसके बाद आता है कीवियों का देश न्यूजीलैंड, जहां पर सबसे ज्यादा सिखों की गिनती, विदेशियों के रूप में सिखों की बहुत ज्यादा गिनती बढ़ चुकी है। हम चाह रहे हैं कि सिख धर्म पूरी दुनिया तक जब पैर पसारेगा तभी इस धरती के ऊपर खालसा राज आएगा। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए खालसा राज। खालसा राज जब पूरी दुनिया के ऊपर होगा तो हर कोई खालसे की छत्र छाया में पलेगा और बढ़ेगा। महाराजा रणजीत सिंह जी का इकलौता ऐसा समय था। उस समय खालसा राज में 50 साल तक कोई भी जुर्म नहीं हुआ था धर्म के नाम पर। इस बस वहां पर अपने ही लोग उनसे गद्दारी ना कर जाएं, तब तक खालसा राज को कोई गिराने वाला नहीं आया था। दसम ग्रंथ साहिब के एक अंग को जब हम देखते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी वापस अवतार धारेंगे, इस धरती पर आएंगे तो उस समय आकर उस जगह खाली जगह को वो आगे पूरा करेंगे। उस बहुत जल्द हम हेमकुंड साहिब की यात्रा करने जा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।